और फ्रेंड अर्चना की रसोई में आप सबका सोने जा रहा है। राज कचौड़ी, यहाँ पे हमने लिया 100 ग्राम सूजी जो कि बड़ी वाली है, मोटे दाना की है, ये देखिए। अब हम इसको इस बाउल में डाल लेंगे और इसमें से एक डो बनाएंगे नॉर्मल। अब यहाँ पे हमने राज कचौड़ी के लिए सूजी लिया है जो कि बड़े दाने के। अब यहाँ पे हमने लिया है 2 चुटकी बेकिंग सोडा और 1 चुटकी नमक। अब हम यहाँ पे लिए हैं एकदम गरम ऑयल जो कि 2 टेबल स्पून है। अब अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम लेंगे पानी, एकदम थोड़ा सा ऐड करेंगे और एक नॉर्मल सा डो बनाएंगे। डो ना ज़्यादा सख्त हो ना तो ज़्यादा सॉफ्ट हो। अब हमारा डो बन करके तैयार है। अब हम इनकी लोइयां बना लेंगे। लोइयां मीडियम साइज़ की बनाएंगे, ना ज़्यादा बड़े हो ना ज़्यादा छोटी। ये देखिए यहाँ पे मैंने 5 लोइयां बना करके तैयार कर ली हैं। सभी के हम पेड़े बना लेंगे। अब यहाँ पे हम बेलेंगे। बेलने के लिए यहाँ पे हम ना मैदा लगाएंगे ना सूखा आटा लगाएंगे, बस ऑयल लगा करके बेलेंगे। यहाँ पे हम साइज अपने हिसाब का बेलेंगे, जैसे हमको रात कचौड़ी के लिए साइज चाहिए उसी साइज में बेलेंगे। हमने यहाँ पे 5 कचौड़ियों को बेल करके तैयार कर लिए। यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल गरम कर लिया है। अब यहाँ पे आप साइज़ देख सकते हैं, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है। और हमने यहाँ पर के 5 कचौड़ी, अब यहाँ पे हम आप देख पा रहे हैं कि कचौड़ी हमारी अच्छी तरह से फूल गई। पलट लेंगे, पलट करके अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक इसको हम पकाएंगे। ये देखिए कचौड़ी हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। और अब हम इसमें दूसरी कचौड़ी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको चलाते हुए पकाएंगे। ऑयल हमारा एकदम गर्म होना चाहिए और जब हमारी कचौड़ी फूल जाए तो हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, नहीं तो जल जाएगी और सॉफ्ट होने का भी खतरा नहीं रह जाता है। इसलिए गैस का फ्लेम हमेशा जब हमारी कचौड़ी या गोलगप्पे फूल जाएँ तो लो कर दें ताकि क्रिस्पी और करारे बने। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारी कचौड़ी कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन बन करके तैयार हो गई है और कितनी क्रिस्पी है। हम और बना करके दिखा रहे हैं। इसको भी हम पलट लेंगे, अच्छी तरह से पलट पलट के सेकेंगे। यहाँ पे हमने सारी कचौड़ियाँ बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको बनाएंगे। इनको भरने के लिए हमने यहाँ पे सारी स्टफिंग रेडी कर लिया है। अब हम एक एक साथ इनको भरेंगे, एक एक करके नहीं। ये देखिए कितने आराम से हमारी टूट रही है कचौड़ी, ये देखिए कितने आराम से। हम आपको सभी पास से दिखा रहे हैं कितने आराम से हमारी खस्ता कचौड़ी टूट रही है, आराम से क्रिस्पी है। अब यहाँ पे हम इनके लिए लिए हैं मटर, काला चना और राजमा, जिनको हमने ओवर नाइट भिगो करके उबाल लिया है। उबालने के लिए अब हम इसमें कचौड़ियों में भरेंगे। यहाँ पे हम एक साथ करके कचौड़ी और राजमा, मटर और काला चना मिक्स करके भर दिए हैं। अब इसमें हम यहाँ पर दही ऐड करेंगे। दही हमारी घर की है। दही को अच्छी तरह से हमने फेंट लिया था हल्का चीनी नमक डाल के, ताकि दही हमारी गाढ़ी न रहे और न ज़्यादा खट्टी है। यहाँ पे अब हम चटनी डालेंगे, मीठी चटनी जिसको हमने घर में बना करके तैयार किया। बाज़ार की कोई भी सामान नहीं है, सभी चीज़ें हमने अपने घर में ही तैयार की हैं। अब यहाँ पे हम पुदीने की चटनी ऐड करेंगे। पुदीने की चटनी को भी हम घर में तैयार किए हैं, कोई भी चीज़ फ्रेंड्स बाहर की नहीं है, सभी चीज़ें घर की हैं, सभी चीज़ें घर में बना करके तैयार किए हैं। सारी चीज़ों को थोड़ी थोड़ी कर, अब यहाँ पे हम लाल मिर्च ऐड करेंगे और भुना हुआ जीरा और काली मिर्च। यहाँ पे हम सभी चीज़ें ऐड करेंगे बारीक पीस के जो कि रखे थे अपने घर के। अब यहाँ पे हम थोड़ी दही ऊपर से और डालेंगे। पुदीने की चटनी थोड़ी और डालेंगे।
इसी के साथ हम इसमें एक कचौड़ी को तोड़ करके सभी के अंदर ऐड कर देंगे। अब हम थोड़ी चटनी और ऐड करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे हम अनार के दाने ऐड करेंगे। अनार के दाने के बाद बीच में हमने एक पुदीने की पत्ती रख दिया था। कैसी लगी हमारी आपके रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।